जब सहित ध्यान, जब रहित केवल ध्यान और ध्यानातीत अवस्था, ध्यान को भी बंद कर दो, कुछ मत सोचो, कॉन्शियस स्लीप। अभी हम बोले कि सोने से आ जाएगा, ये कॉन्शियस जागृत अवस्था में सो जाना, इंद्रियों को सुला दिए, सारे इंद्रियों का राजा जो मन है मन को हटा दिए। तो मन जब हट जाता, अभी प्रमाण हो गया मैन माइनस माइंड इज इक्वल टू गॉड, गॉड प्लस माइंड इज इक्वल टू मैन, इसका प्रमाण हो गया या नहीं? तो अभी आप भगवान हैं, मन को साथ में जुड़े हैं, इसलिए गॉड प्लस माइंड इज मैन, मैन है। तो अभी आपको फ्रॉम मैन टू गॉड मैन बनना है तो हटाओ मन को। कैसे हटाओगे? जस्ट बैठ रिलैक्स, ऐसे 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 तो ऐसे अभ्यास कर, माने ये एक झलक आपको मिला, एक अमृत का आस्वादन किए, झलक है कि माने जस्ट ए फ्यू सेकेंड्स, बहुत अच्छा लगा है, रिलैक्स, माने पूरा टेंशन थी तो माइंड माइंड से टेंशन चला गया, शरीर को भी भूल गए, शरीर में क्या रोग होने दो, शरीर रोग है कि मन में टेंशन है, मैं अमर आत्मा हूँ, आपका असली स्वरूप का अनुभव या उपलब्धि हुई हुई या नहीं? हरिओम सर्वम, हरिओम है, हरिओम जय मां, ओम आपका स्वरूप ज्ञान हुआ या नहीं, अब जो बताओ। रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन जो होता था पहले शरीर के साथ, अभी शरीर को यू डिस्कार्डेड योर बॉडी, दे डिस्कार्डेड, हाँ डिस्कार्डेड योर माइंड है। तो जब सहित ध्यान करके मन को थोड़ा सूक्ष्म अवस्था को लेके, फिर जब रहित ध्यान जब हुआ, मन एकदम सूक्ष्मतम हो गया, फिर स्टॉप मेडिटेशन जब बता दिया तो मन को हटा दिए, आई एम मेडिटेटिंग, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं क्रिया चलता है, मैं ध्यान इसको इष्ट देव को ध्यान कर रहा हूँ या रही हूँ, उस टाइम तक आपका मन फंक्शन करता है। जब स्टॉप मेडिटेशन हमने बोल दिया, ध्यानातीत अवस्था को चले गए आप, तब नो आई नो इष्ट, मैं नहीं की इष्ट नहीं की, ध्यान क्रिया भी नहीं, तीनों बंद हो गया, तो क्या रहा? एक रहा या नहीं, एक ब्रह्म रहा या नहीं, जो कि आपका असली स्वरूप है या नहीं? आप थोड़े टाइम पहले बोले थे कि ब्रह्म से अलादा हम नहीं हो सकेंगे, तो इसका प्रमाण अभी मिल गया या नहीं है? तो आपके साथ ये जो मन जुड़ा हुआ है वो आपको क्या लिमिटेड बना देता है, सीमित बना देता है। आप असीम तत्व हैं, अगर आपको सीमित बनाने वाला जो मन है, उस मन को आप मन का दास बन के सब रहे हैं, मन बैठाता है उठाता है, बैठो उठो चलो आओ जाओ, एकदम कमांड, यू आर अंडर द कमांड ऑफ द माइंड। अभी मन का दास आज से नहीं बन के मन को दास कैसे बनाएंगे, ये सूत्र हमको है। तो ये एक आंखें बंद करके एक, अच्छा ये बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को द्वापर युग में गीता छठी अध्याय 25वां श्लोक में बताया, शनैः उपरमेत बुद्ध्या धृतिगृहीतया
आत्म संस्थं मनः कृत्वा न किंचित् अपि चिन्तयेत्। इसी थी 6th chapter 25th verse। कृष्ण भगवान अर्जुन को बताया हुआ जो योग मार्ग जिसको गुरुदेव ने माइंड इट्स निश्चित एंड कंट्रोल कंसेंट्रेशन मेडिटेशन ध्यान योग ये सब के माध्यम से हम लोगों को बताए हैं और हम किए हैं करके भी प्रत्यक्ष माने 2 मिनट में फल को मिल गया है बहुत शांति रिलैक्स रिलैक्स। तो ये जो बात है ना आपको अनुभव उपलब्धि करके यू हैव टू कैसे संसार में चलना है। संसार में चलते वक्त एक राजकुमार प्रिंस वो कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज स्टूडेंट लोग एक ड्रामा अमेचर ड्रामा करने के लिए निश्चित किए तो डायरेक्टर साहब सबको पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त राजकुमार को भिखारी पार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया। राजकुमार राजी हो गया लेने के और इतना सुंदर ग्रीन रूम में उसको पेंटिंग ड्रेसिंग पेंटिंग कर दिए कि वो जब स्टेज पे आया बाबू एक पैसा दे दो इतना सुंदर अभिनय किया भिखारी का अभिनय कि सब लोग बहुत खुश होके रुपया फेंकने लगे स्टेज के ऊपर। अच्छा वो जब पाठ करता था उस टाइम में क्या सोचता था सोचा होगा ये थोड़ी भिखारी हूँ भिखारी का अभिनय कर रहा हूँ ना भिखारी एक बार दो बार पांच दस बार तो कोई दुख नहीं हुआ नहीं नहीं करते करते हैं जब ड्रामा ड्रप खत्म हो गया ड्रामा वो नीचे जाके बाबू मांगने लगा। तो एक सज्जन बाबूजी ड्रामा खत्म हो गई आपका जो पार्ट है भिखारी का रोल करते थे वो खत्म हो गया ग्रीन रूम से जाओ और ये सब टेंशन करके सूट टाई पहन के आपका रोल्स रॉयस गाड़ी खड़ी है उसको लेके आपका कैलेस रात प्रसाद में चले जाओ बताएगा नहीं है। तो आज भी अभी भी गुरुदेव हम सबको वही बात बताते हैं अरे भाई तुम भोगी पाठ करते हो भोगी नहीं हो भोगी पाठ करते हो भोगी नहीं हो भोगी पाठ करते हो नहीं हो दागी पाठ करते हो दागी नहीं हो ये सब अभिनय है ये सब अभिनय है। अरे अभिनय को सत्य समझ जाते हो तो वही गलती है अज्ञानता है यार क्या दुख का कारण वही अज्ञानता है। तो ये जो दागी क्यों बोला नागपुर सेंट्रल जेल में 600 कैदियों को 45 मिनट सत्संग अरेंज किए थे नागपुर डिप्टी लोग हमको ले लिए ले गए और हम जाके भजन कीर्तन करा के उनको भी ये जो ध्यान अभी आप लोग किए उनको करवा दिया और ध्यान खत्म होने के बाद बताया आप अपने अपने इष्ट देव को ध्यान किए राम कृष्ण शिव दुर्गा जीसस मेरी मक्का मदीना विभिन्न धर्मों का थे सबको ध्यान किए आप ध्यान कर सके तो आप ध्यान में कोई बाधक तो बाधा मिली आप स्वाधीन है या अभी बंदी है हम स्वाधीन है ध्यान में कोई बाधा देने वाला है क्या। तो उसी टाइम में हम बता दिया मैं जैसे सूट टाई पहन के कनाडा जाते वक्त भोगी का पाठ करता था और ऑपरेशन के टाइम में रोगी का पाठ करता था अभी योगी का पाठ करता हूँ आप ऐसे दागी का पाठ कर रहे हो भाई ये सब छोड़ो ये ड्रामा है ड्रामा
देखते रहो ड्रामा, आप स्वाधीन नित्य मुक्त है, मगर दागी का जो अभिनय करने के लिए डायरेक्टर साहब दिए हैं पार्ट, तो उनको खुश करने के लिए डायरेक्टर को खुश होने दो ड्रामा है। इसे सब बता दिया 45 मिनट्स के बाद संकीर्तन ये करके, और सबसे बुढ़ा कैदी जो थे उनको माला पहनाया, ये सब करके ओम शांति। आप सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान आपको शांति दे, आत्म ज्ञान दे। आते वक्त एक कैदी भूल बुनने लगा, भगवान कितनी कृपालु है, हम यहाँ कैदी बन के नहीं रहते तो ये सत्संग मुझे नहीं मिलता, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इसे काराश्रम में, काराश्रम में मुझे सत्संग मिला। ऐसा बोल तो अभी क्या करना है हमको, हमको ये हाँ आप मन को दे ही देखे हैं। अभी आप बैठो, बैठे बैठे मन को भेज दो जगन्नाथपुरी सिंह द्वार में जाके, आप जो हाथ पैर धोने के लिए व्यवस्था है ये करके, फिर आप अंदर घुसे सिंह द्वार में, पतित पावन का दर्शन किए, फिर वाइस पावन करके गए, फिर गुरु स्तंभ के पास पहुंच गए, और बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ सुदर्शन खड़े खड़े आप देखते हैं, और फिर परिक्रमा करके विमला मंदिर, लक्ष्मी मंदिर सब देखे, आनंद बाजार आ गए, महाप्रसाद देखे करके, अभी चले जाओ समुद्र किनारे, पुरी में समुद्र लहरे आते हैं, समुद्र किनारे चले गए। उधर से आप अभी पुरी एक्सप्रेस से आके हावड़ा स्टेशन में उतर जाइए, कितना भीड़ है हावड़ा स्टेशन में, उतर के आप आते हैं। अभी इधर आ जाइए सत्संग, तो यहाँ बैठे बैठे आप कमांड करके मन को भेज के जहाँ जहाँ देखना है देख के आ गए या नहीं, तो अभी मन आपका दास बना या नहीं। हर वक्त आप यदि मन को ऐसे दास करके रखोगे आप तो महान बन जाओगे। कमांड योर माइंड, कैसे कमांड करो है? गुरुदेव बताए हैं सब, ये जो बंदर नचाने वाला है वो के बंदर को रस्सी में बांध के है? एक बांबू स्टिक ऐसा पकड़ के अपना झोला रख के बंदर को साथ में लेके आता है, आके गांव में बैठ जाता है, डमरू बजाता है, है? लड़के लोग बच्चे लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि बंदर का नाच देखने के लिए सब, और वो रस्सी को छोटा करके नचाने के लिए जब कोशिश करता बंदर खींचता है रस्सी को, तो मालिक को पता लग कर जाता है कि वो अभी मूड में नहीं है, तो वो क्या करता है कि गिव से लॉन्ग रोप टू द मंकी, रस्सी को छोड़ देता है। तो बंदर क्या करता है, मालिक के चारों तरफ घूमते 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 जब थक जाता है तो फिर मालिक के पास बैठता है, तो वो रस्सी को छोटा करके ऐसे नचाता है, ऐसे ऐसे ऐसे। योर माइंड इज जस्ट लाइक ए मंकी, आप ध्यान में जब बैठते हो वो मूड में नहीं है मन का, वो खींचता है रस्सी, छोड़ दो, ही बिलोंग रोप टू योर माइंड, छोड़ दो, कहाँ जाता है देखो, मगर देखो नजर, मन
मन कहाँ जाता है? मन को अभी तक आप देखे नहीं थे, अभी देख लिए, भेजे और लाए, जाओ आओ कमांड किए। तो अभी ऐसे ध्यान में बैठते वक्त मन कहाँ जाता है? जाओ जाने दो, जाओ जितना जाओ 15 मिनट तक, फिर ये घूम घूम के जब थक जाएगा, फिर जब मूड आ जाएगा बंदर का, जब स्थिर निश्चल हो जाएगा, फिर उसको जब ध्यान भगव भक्ति भाव भजन लगा उसमें लगा देने से वो फिर दैट विल हेल्प। तो ऐसे गुरुदेव बताए हैं मार्ग। और एक बात बताए हैं कि एक गौ गांव में जब खोल देते थे गौ को, वो जाके बगल वाला बगीचा में जाके नष्ट कर देता था, और वो फिर ये झगड़ा करता था पास वाले। मगर गौ को बहुत बढ़िया दाना पीड़िया जितना सब है उसका खाद्य सुस्वादु खाद्य गौ का, उसका एक मिक्सचर बना के ये करके बाल्टी में रख दो, और ये जो रस्सी को खोल दो, आप हिलने से पिटाई करने से भी वो नहीं जाएगा, वो खाते रहेगा या नहीं है? पहले चला जाता था दूसरे है, अभी नहीं जाएगा। तो ऐसे जो माइंड है मन को ध्यान के पहले गुरु स्तोत्र भगवान का कीर्तन भजन ये सब एक परिवेश एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो जिससे कि मन लगेगा भागेगा नहीं, तो फिर धीरे धीरे स्तोत्र पाठ धारणा के बाद ध्यान करो तो लग जाए। और एक ये